मैंने तकरीबन 3 मास्टर्स किए हैं, एक एजुकेशन में और खानी नशीब से, दूसरा मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडस्ट्री ऑफ ग्रेजुएट से, और एक 2 इयर्स का फुल कोर्स है इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री अरबिक प्रमोशन सोसाइटी से। तो ये मेरे एजुकेशन के बैकग्राउंड है। बाकी जो ना जॉब में मैंने बहुत मेरे लॉन्ग एक लिस्ट है, एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया लिविंग मॉडल स्कूल में, फिर एज एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने काम किया आसान एजुकेशन सर्विस में, फिर उसके अलावा मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर मैंने काम किया नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट का एक इदारा था। मुस्लिम सोसाइटीज़ के हवाले से मेरा एक वो कंसर्न है, तो उसको मैंने राइट अप में लाने की कोशिश की है और उसको पब्लिश किया है मैंने डॉन अखबार में, डेली टाइम्स में, और उसके अलावा प्रिंटर पोस्ट में, पामेर टाइम्स में, हम सब में उर्दू में भी इस तरह के मुख्तलिफ काम मैंने किए हैं। हमारे सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारे टेबूज हैं और उन टेबूज को एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी की वजह से एक खोल हमारे ऊपर चढ़ा है कि हमने ये काम करना है, ये नहीं करना है, जहाँ पे बहुत ही फाइनेंशियली मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें से एक ये है, इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे स्क्रैप का काम है, जैसे रिसाइकलिंग का काम है, इस तरह के बहुत सारे फील्ड है जिसको हमने खाली छोड़ा है और हमारे पुख्तन भाई इस पर काम कर रहे हैं जबकि हम सोए हुए। तो इनको तोड़ने की जरूरत है, स्टाफों को और इन फील्ड्स की तरफ हमारे लोगों को जाने की जरूरत है। मौसमियाती मुश्किल है जैसे कि गर्द गुबार है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, और उसमें यहाँ पे 12 घंटा 16 घंटा खड़ा रहना और ये बिजनेस करना और फ्रूट को भी बचाना गर्मी से सर्दी से, ये एक चैलेंज है। बाकी जो सोशली जो सोसाइटी के हिसाब से चैलेंज है वो ऐसे यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल में तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। सोसाइटी के हवाले से मैंने कोई प्रेशर फील नहीं किया बल्कि वो इसको वेलकम करते हैं। यहाँ पे आने का एक और जो मेन रीज़न एक है रॉबर्ट कियोसाकी जो एक राइटर है, उसने एक बुक लिखा है रिच डैड पुअर डैड, उसको जब मैंने पढ़ा और तो फिर मैं मोटिवेट हो गया बिजनेस के लिए। फिर इकबाल का जो शायरी है ना, वो कहता कि तेज खला के जहाँ ने ताज़ा शव, शोला दर बर कुन खलील आवाज़ शव, उठो एक क्रिएटर बनो और एक नई जान पैदा करने वाला बनो। तो वो है कि एक हम एक नया जहाँ तो पैदा नहीं कर सके, लेकिन ये कि लोगों को एक नया डायमेंशन अगर दिखाने के एक कोशिश हो गई है जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो मेरे ख्याल में दिस इज सक्सेस फॉर मी। पहली बात तो है कि हमारे जो माइंडसेट है नौकरी का माइंडसेट, इससे हमें बाहर आज हो के सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही हमारे पास क्रिएटिव लोग हैं जो कि नौकरी के पीछे जाके अपने क्रिएटिविटी को, अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। उनको नए नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है।